हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ एंड इट इज़ द टाइम ऑफ साइंस क्लास. सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर थ्री, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. एंड टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. There are some types of synthetic fibers like rayon, nylon, polyester, okay, acrylic, spandex, okay. So first type is rayon. Rayon is also called artificial silk. ये एक आर्टिफिशियल नेचुरल सिल्क नहीं है, ये आर्टिफिशियल सिल्क है, मैन मेड सिल्क है, ठीक है. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम वूल पल्प, सॉरी वुड पल्प, कॉटन लिंटर्स और अदर वेजिटेबल मैटर्स. ठीक है, ये ड्राइव कहाँ से की जाती है? वुड पल्प के थ्रू, कॉटन लिंटर्स के थ्रू और अदर वेजिटेबल्स मैटर्स के थ्रू. इट इज चैप्ट सॉरी चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. ओके, ये जो होता है सिल्क के कंपेरिजन में चीपर होगा और कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स और बिल्कुल एकदम सिल्क जैसा ही मज़ा देगा. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. ओके, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर. इसको भी कई सारी वेराइटी ऑफ कलर्स में डाइड किया जाता है. रेयॉन इज़ मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड विथ वुल टू मेक कारपेट्स. रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स कराते हैं तो बेड शीट्स तैयार होंगी और जब वुल के साथ मिक्स कराएंगे तो कारपेट्स वगैरह जो होम में हम यूज़ करते हैं वो होंगे. ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स, टायर कॉर्ड्स, कारपेट्स एंड सर्जिकल डिज़ाइनर्स सॉरी सर्जिकल ड्रेसिंग्स. ओके, इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स. इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किन फील्ड्स में होता है? टेक्सटाइल्स में होगा, टायर कॉर्ड्स में होगा, कारपेट्स वगैरह में यूज़ होगा एंड सर्जिकल जो ड्रेसिंग्स हैं हमारी, ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है सबसे ज़्यादा. अनलाइक फुल्ली सिंथेटिक पॉलीमर्स, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. ठीक है, अगर फुल्ली सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज़ करेंगे तो ये मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एंड इज़ बायोडिग्रेडेबल. ओके, रेयॉन फाइबर्स आर सेमी सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल इन थ्री डिफरेंट वेराइटीज, विस्कोस नंबर टू क्यूप्रा एंड नंबर थ्री एसीटेट रेयॉन. ओके, सो इम्पॉर्ट आज से क्या करेंगे, थोड़ा जो टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट भी टिक करते चलेंगे. तो जैसे ये फर्स्ट FIB आपकी यहाँ से बन रही है, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क. ओके, और यहाँ इट कट कर लीजिएगा, इट की प्लेस पर रेयॉन होगा. रेयॉन इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश कॉमा डैश और डैश. सो फर्स्ट इज वुड पल्प, कॉटन लाइनर्स एंड अदर वेजिटेबल्स मैटर्स. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है. डैश इज सॉरी डैश मींस इट की प्लेस पे रेयॉन इज चीपर देन सिल्क. इट कैन बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, रेयॉन इज मिक्स्ड. ओह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है. व्हेन रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड विथ वूल टू मेक कारपेट्स. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल, टायर कॉर्ड्स, कारपेट्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स. तो वेयर इज
क्वेश्चन आपका होगा वेयर इज रेयन वाइडली यूज्ड ओके इसे कट कर लीजिए एंड क्वेश्चन मार्क. तो रेयन इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स टायर कॉर्ड्स कारपेट्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स. Unlike fully synthetic polymers, it absorbs moisture and biodegradable. Rayon fibers are semi-synthetic fibers available in three different varieties. Okay, एक question ये भी हो सकता है. Write all three different varieties of rayon. Write the three different varieties of rayon. Write the three different varieties of rayon. So three different varieties of rayon is viscose, cupra and acetate rayon. Okay, ठीक है. साइड का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लीजिएगा. टेफ्लॉन इज यूज्ड एज अ कोटिंग फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर. ओके, टेफ्लॉन जो होगा वो यूज होता है कोटिंग फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर्स में. ठीक है, नॉन स्टिक कुकवेयर में कोटिंग के लिए यूज होता है टेफ्लॉन. ओके, ओके. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर लोडिंग प्रॉब्लम होगी. सो बाय, टेक केयर, और एक वर्कशीट आपको भेजते हैं, ठीक है.